जब आपने सना का इंटरव्यू किया था जी, आपकी मुलाकात सना और मैं दोनों से तब भी हुई थी जी, वो हम अब तो कर ही सकते हैं। उसका भी जिक्र कीजिए। वो एक्चुअली हुआ ये था कि जब रुसवाई शुरू हुआ था तो मैंने सना का इंटरव्यू किया था फ्लो पे। वहां पे पता चला कि जी उमेर जो है वो कोयल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, तो इधर फ्लो, इधर कोयल, इधर मैं और सना फ्लो से उठ के कोयल आ गए। अच्छा, और वहां क्यों? पे हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कि उमेर अगर इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे तो आप और सना फ्लो से एफर्ट करके तीन मकान छोड़ के कोयल पे क्यों आएंगे? हमने कहा कि चलो उमेर को भी मिल लेते हैं। अच्छा, अब ये तो था कि उमेर और सना की बहुत दोस्ती, बहुत देर से ये था कि दोस्ती थी, मतलब ऐसा कोई लव शव का नहीं था, वेरी गुड फ्रेंड्स। उन्होंने कहा ओ उमेर इधर इंटरव्यू दे रहे हैं, आए चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। और उमेर से गाना भी हमने सुना, जो कोक फोटो भी आपने गाया था। अच्छा, फोटो इतनी मजे की फोटो थी जो कि अब हम चलाएंगे वीडियो में भी, कि दे वुडंट स्टैंड टुगेदर। उन्होंने कहा कि नहीं, हम रूमर्स को नहीं पंखा देना चाहते, वी डोंट वांट टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आप इशू खड़ी हो जाए। मैंने कहा मेनू बना दियो कबाब की हड्डी। तो वो बड़ा क्यूट था, बट आई कुड टेल दैट दे वर definitely involved but very careful about, you know, not sending out the wrong signal or not giving out a wrong message or not sort of starting any rumors, so it was in a very cute way. To phir bhi ye rumor aana kyun? Rumor to nahi tha, matlab people have known that Umair and Sana are very good friends. Ji, actual baat ye hai ki Umair aur Sana ki parents ne 2 saal pehle inki baat pakki kar di thi. ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, शाहरुख चला दे आज, डुजुन डुजुन डुजुन, एक्चुअली चला दे शाहरुख, ब्रेकिंग न्यूज़। सो दे रियली लाइक ईच अदर एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन इनके पेरेंट्स के बीच में बात, उस वक्त तो फिर मंगेतर थे ना। हाँ, लाइक्ड और जो हम कह रहे हैं कि दोस्ती हुई थी, इनकी तो मंगनी हुई। बट बोथ ऑफ देम आर क्वाइट प्राइवेट, देयर प्राइवेट पीपल, दैट्स गुड। और दोनों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मंगनी को लेके हम एक रिलेशनशिप को पब्लिक करें, तो वी डोंट वांट टू डू दैट। वेरी गुड। तो 2 साल पहले उनके माँ बाप के बीच में हाँ हो गई थी, मतलब फैमिलीज हैड मेट, सो दे वर लाइक वर्चुअली एंगेज्ड फॉर 2 इयर्स। सो आई मस्ट से दैट शाबाश, शाबाश के मैंने, एंड शाबाश, एंड अदर सेलिब्रिटीज नीड टू टेक लेसंस फ्रॉम सना एंड उमेर ऑन हाउ टू कीप समथिंग प्राइवेट दैट दे वांट टू कीप, दैट दे वांट टू कीप प्राइवेट। अगर आपने अनाउंस करना तो भी कोई बुराई नहीं है। हां बिल्कुल, लेकिन अगर आपने प्राइवेट रखना है तो फिर आप इस तरह प्राइवेट। मेरा ख्याल है कि हर इंसान एक डिफरेंट फ्लेवर ऐड करता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही। कुछ लोग हैं जो प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो कुछ लोग हैं जो पूरा ढोल धमाका बजाना चाहते हैं। दोनों ठीक है, और दोनों ठीक है। And you know, everybody needs to take it positively. And लेकिन अगर private रखना चाहें तो फिर रखें, फिर रखें, exactly. फिर ये ना करें कि इधर उधर से खबर निकल गई तो फिर वो, फिर ये ना कहें कि ओ हमारे बारे में क्यों ये बात की और ये private बात है। नहीं भाई, अगर आप अपनी तस्वीरें डालेंगे लोग उस पर कॉमेंट करेंगे, रिएक्शन तो फिर रिएक्शन आएगा, जो भी होगा अच्छा बुरा, then be ready for it. So you can't have best of both worlds, of all worlds. ऐसा नहीं। Anyway, इनकी बात पक्की हो गई थी और ये कल उनकी तस्वीरें आई। आई वाज एज सरप्राइज्ड एज एनीबॉडी एल्स, आई हैड नो आइडिया कि इनका निकाह होने वाला है जी। फिर मुझे जैसे आपको लगा मंगनी तो खैर आई न्यू दैट दे वर टुगेदर, आई न्यू इट वाजंट अ मंगनी निकाह था। मुझे ये नहीं पता था कि फुल फ्लेज शादी रुखसती है या सिर्फ निकाह है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब इनको फोन करूँ कि क्या करूँ दोनों को, क्योंकि मेरी दोनों से बातचीत होती रहती है। वैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सोचता इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही इनका निकाह हुआ होगा या कल ही हुआ होगा, तस्वीरें शायद इन्होंने अब लगे फिर भी कि हफ्ता पहले हुआ हो या पिछले वीकेंड, तो मे बी दे आर ट्रैवलिंग और मे बी दे आर यू नो बिजी। बट अब आप ये बताए ना कि हुआ कब है, निकल ही हुआ है, कल ही हुआ है वाकई में? नहीं यार। अच्छा, क्योंकि ये हम देख चुके हैं पहले सेलिब्रिटी शादियों में कि वो शादी हुई भी होती है एंड देन वो कुछ अरसे बाद अनाउंस करते हैं व्हेनेवर दे आर रेडी फॉर इट। तो आप कह रही हैं कि ये निकाह एक्चुअली कल हुआ है? वैसे मेरे ख्याल है कल, पता करा लो जरा ये ना। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आमना ने फौरन अपना फोन उठा लिया और वो नंबर घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बस ये जैसे ही उनका कॉल कनेक्ट होती है और वो इन्फॉर्मेशन लेती है, हम वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे हियर।
जी हसन जी, क्या कॉन्फर्मेशन लिया आपने? दुल्हन ने कॉन्फर्म कर दिया है कि कल ही उनका निकाह हुआ। कल ही निकाह, ब्रेकिंग न्यूज। आज तो हम प्रॉपर वो चैनल लग रहे हैं जैसे होते आप लग रहे हैं हसन, मतलब आपको क्या हो गया है? नहीं, अच्छा मजा आ रहा है। अच्छा तो ये बात है कि जी कल ही निकाह हुआ उनका, मंगनी उनकी 2 साल पहले बात पक्की हो चुकी थी। जी पेरेंट्स बात पक्की हो चुकी थी, निकाह उनका कल हुआ है। इस्लामाबाद, अच्छा कराची में, कराची में निकाह हुआ है, सना के घर पे निकाह हुआ है। और बिकॉज उमेर की काफ़ी बहन भाई हैं तो द फैमिली इज ऑल ओवर, तो वो कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग मुश्किल हुई हुई है, सो वो आ नहीं सके, तो दे डिसाइडेड कि अभी हम निकाह कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स विंटर में ज़रा सा कम हो जाए कोरोना का, तो फिर आगे आपको कई फंक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे। जी शायद आमना इसानी भी वहाँ पाई हुई नजर आए आप। अभी मुझे पता चला है बल्कि इस्लामाबाद में भी है, अगर आमना हुई तो फिर मैं भी हूँगा साहब। इस्लामाबाद में भी कुछ होगा बिकॉज उमेर के भी बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, एंड पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री है जी, 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 जी। जो कि अब बकौल उमेर के सब नाराज हैं कि अब खबरों पे हमें पता चल रहा है कि यू नो, सो इट वाज एज मच अ सरप्राइज फॉर हिज फ्रेंड्स एंड फैंस दैट इट वाज फॉर यू नो फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपकी जो पहले सना से बात हुई, उमेर से बात हुई, उनके क्या जज्बात और तासुरात? बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश हैं माशाल्लाह से जी। जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि अभी उनका निकाह हुआ है और रुखसती और बाकी के जो सब कुछ है वो बाद में होगा, लेकिन माशाल्लाह देयर वेरी हैप्पी। एंड सना वाज टेलिंग मी देयर वाज अ वेरी स्मॉल वेरी डेलिकेट क्वेंट अफेयर इन द हाउस, एंड बिकॉज उमेर के पेरेंट्स भी काफी ज़ईफ हैं तो इट वाज दे वर वेरी वरिड कि उनको इस्लामाबाद से लेके आना कोरोना की उसमें सारा कुछ, एंड दे बोथ लुक्ड सो गुड टुगेदर। अच्छा हाँ अब आए कि वो दोनों ने जो आउटफिट्स कितने वो खूबसूरत लग रहे थे, उसके ऊपर एक फैशन। चले हसन आप बताएं, आपको क्या लगता है कि सना का जोड़ा किसने बनाया होगा? सना का जोड़ा बनाया होगा सना सफीना ने? नहीं। सना का जोड़ा बनाया होगा ज़ैनब छुटानी ने? नहीं। सना का जोड़ा बनाया होगा I don't know. अच्छा जो मोस्ट ऑब्वियस जो है ना, जिसका वीडियो भी सना ने की हुई है कबूल है के नाम से, नोमी अंसारी, वो भी आप नाम नहीं ले रहे, तो उसे पता चल रहा है कि आपका कितना इस बात में आपको मतलब है कि सबूत पेश करवाना जरूरी था जब मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मेरा फैशन से कुछ ताल्लुक नहीं है। अच्छा उमेर की शेरवानी के बारे में क्यूट लगे आपके एट और यू नो कि आप कोशिश कर रहे हैं, उमेर को बता दें चले कि आपको क्या लगा? उमेर की शायद दीपक ने बनवाई हो। नहीं obviously हसन को कुछ नहीं पता, लेकिन खैर बिफोर आई फाउंड आउट आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू गेस ईदर। लेकिन जी सना का जो बहुत खूबसूरत शादी का जोड़ा था वो बना है बंटो कासमी से। अच्छा इट्स अ बंटो कासमी, सोच रहा था कि वो क्या है, अगर मुझे आ जाता तो आ जाता। अच्छा ठीक है, बंटो कासमी ने उनका शादी का जोड़ा बनाया था, एंड ब्यूटिफुल एज इट शी वॉज लुकिंग, वैसे वो इतनी हसीन है, एंड शी वॉज लुकिंग स्टनिंग ऑन हर वेडिंग। और उमेर की जो शेरवानी थी वो हुमायूं आलमगीर की थी। हुमायूं आलमगीर, हाँ ओके, हुमायूं आलमगीर। आई थिंक बोथ द कलर्स वर कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल, एंड इट हैड अ वेरी विंटेज काइंड ऑफ अ फील टू इट। या इट हैड अ वेरी विंटेज फील, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्लासिक, वो क्लासिक था बिल्कुल, बिकॉज जो है ना सना शी बिलोंग्स टू हैदराबाद दक्कन, उनकी फैमिली वहां से बिलोंग करती है। अच्छा तो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स बहुत उनके लाइफ में भी हैं और अपने वार्डरोब में भी हर चीज। तो वो मुझे बता रही थी कि उनका 6.5 गज का जो दुपट्टा था ना, उसको खरा दुपट्टा जो हैदराबाद दक्कन का एक ट्रेडिशनल है वो था उनका। चलो मेरे नहीं, इन लोगों के लिए तो अच्छी इनफॉरमेशन। और उनके सब फैमिली एयरलूम ज्वेल्स थे, दैट्स व्हाई इट गिव अ वेरी क्लासिक, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे नया नया या यू नो। ठीक, इट वाज वेरी, इट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और उमेर के बारे में क्या, एक चीज, उमेर लुक्ड लाइक यू नो, अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि उनकी कोई वीडियोस में थोड़े से वो डिफरेंट लग रहे थे, बट यस्टरडे ही क्लीनड अप एंड लाइक यू नो ही वाज लुकिंग वेरी नाइस। जी साजिद हैं उनके स्टाइलिस्ट जो कि उनके हेयर एंड बियर्ड मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक उनके बाल काफी लंबे उन्होंने किए हुए थे अभी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने कटवा के। एक्चुअली इट्स सो इंटरेस्टिंग हसन टू दैट यू ब्रॉट दिस अप, बिकॉज़ उमेर इज अ प्योर थरो रॉक स्टार, राइट? गाने भी उनके ऐसे और बहुत लाउड, और वो कहते हैं ना चीखना, यू नो चिल्लाना, स्क्रीमिंग एंड हेड बैंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट।
सना जो है वो उतनी डेलिकेट और इतनी सॉफ्ट स्पोकन, यू नो, बहुत ही हाँ, ये वैसे इंटरेस्टिंग तो डायनामिक उनका है, जो डायनामिक वेरी है ना, वो इंटरेस्टिंग. मैंने कहा उमेर को, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, आपको पता ना मैं बहुत कार्मिक उसमें बिलीव करती हूँ, मेरा अच्छा ये नहीं आएंगे कि ऑपोजिट अट्रैक्ट कहते हैं ना, तो दे बोथ लुक लाइक देयर ऑपोजिट्स एंड येट देयर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह. जी जी जी